फिल्म में अभी रोन लाइक बानी फिल्म में काम करो जो इंसान लड़की के साथ वो खेलता है ना उसके साथ फिर यही होती हम कह कहो दी हलो बर्बाद दूसरा पे करो दया तो हरा तलई की रोज बस चाही नया नया कि हम के रोवा के तू आराम कर लो चेहरा गोर तू लेके काला काम कर लो। मामा आई बात 369 कंपनी से और काफी ज्यादा सराहना मिला था भैया अच्छा अच्छा कमेंट्स आवता ये सब देख के बहुत खुशी होता और प्लस से हम पहला क्वेश्चन आप लोग से करब कि गाना आप लोग के कैसा लगा शिल्पी राजा गाना है वो बढ़िया लगा ऐसा हो सकता नहीं 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 ये आप लोग का प्यार है और आप लोग प्रोत्साहन और साहस देते हैं हौसला देते हैं ताकि हर एक प्रोजेक्ट जो भी आए वो अच्छा करें और अच्छा कर रहे हैं कुछ कि लोगों तक बहुत अच्छा संदेश जाए और अच्छा लगे साउंड आप लोग थोड़ा सा इंस्टा तो बंद कर लो अब हाँ अब ये गाना के प्रमोट कर लो कि हम कह कह दी हलो बर्बाद दूसरा पे कर दया तो हरा तलई की रोज बस चाही नया नया कि हम के रोवा के तू आराम कर लो चेहरा गोर तू लेके काला काम कर लो चेहरा गोर तू लेके काला काम कर लो। सबसे पहले सबके धन्यवाद जे एक गीत के क्या बोल जाला आ सपोर्ट ना ओकरा के जन्म देवे वाला गीतकार हमार भैया रोहित सिंह भैया जी काफी अच्छा गाना लिख ले बने रहो वो गाना हमरा के देने करा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुत अच्छा लागल पहला मतलब सैड सॉन्ग हम बहुत आज तक गईले बानी लोकगीत भी बहुत सारा भइल बाटे ये है कि सीधे उसको हीरो को विलेन समझिए हीरो समझिए हाँ जो गलत यही होता है कि इंसान गलती करता है चाहे आप अपने मुखारविंदों से बोलिए हाँ जी मैं सबसे पहले सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ थैंक यू सो मच आप सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं और सॉरी तो ये गाने में जब मुझे काम मिला तो हमारे साथ लक्ष्मण सर हैं और विराट सर हैं दोनों ने मेरे को बोला काम करने के लिए और खासकर शिल्पी जी ने भी तो मुझे ये इतने बड़े गाने में काम करके बहुत अच्छा लगा मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा गाना है जो मैंने अभी इस गाने में काम किया है तो अभी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है आगे माता रानी की कृपा रही तो और अच्छा होगा बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए हम लोगों को उससे ज़्यादा क्या ही बोलो शुरुआत बंदूक चला के नहीं कर रहा नहीं नहीं शुरुआत नहीं हुई है वो इंड है इंड में ही शुरुआत कहीं ना कहीं बंदूक से की है हाँ जो इंसान लड़की के साथ वो खेलता है ना उसके साथ फिर यही होता है ये गाना लक्की विश्वकर्मा भैया जी की है डायरेक्टर है इस गाने का और काफी कोरियोग्राफर भी तो इतना तो हम मनरानी नाय मन जे भी विराट भैया म्यूजिक डायरेक्टर है जयदीप वर्मा जयदीप वर्मा जी और हमारे काना भैया कंपोजिशन कहिए गवाना तरीका एक होता है गाना बनाना और गवाने मतलब जब सिंगर वोकल रूम में पहुंचते हैं तो कितना भी बड़े सिंगर हो वो जब घुसने के बाद से सारा मतलब माइंड नर्वस हो जाता है कितना भी अच्छा गायक हो या गायिका तो जो सामने रहते हैं ये इनका काम कान्हा भैया इतना अच्छा से गवाए हैं इसमें इनका बहुत सपोर्ट है भैया का है रोहित भैया का हम लोग बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग किए और इसी तरह से आप लोग का सपोर्ट मिलता रहे जी बताइए लक्ष्मण जी और विराट जी कितना पैसा खर्चा करते हैं बोलिए इसके इस विषय पे लक्ष्मण भैया बोलेंगे बताएंगे इसके बारे में नहीं पैसा की बात नहीं है अगर लोगों को अच्छा लग जाए वही खुशी है और खुशी जब मिल जाए तो पैसा का क्या गिनती रहे वाह क्या बात है।
रिस्क नहीं लगता किस तरीके का वीडियो भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा रिस्की गेम है? सर आप भी बिना रिस्क के थोड़ी चलाते हैं, हर चीज रिस्क पे ही तो रिस्क है, और हर चीज में रिस्क लेना ही जरूरी है, बिना रिस्क लिए तो आगे बढ़ना भी मुश्किल है ना। उस काम में रिस्क नहीं लिए तो काम नहीं। हाँ फिर और हम पहला गाना भी आप लोग के बीच ही लॉन्च किए थे पटना में, याद गाना था प्रमोद भैया का, तो वो भी रिस्क फ्री था लेकिन चल गया, बहुत अच्छा चला और आज तक चल ही रहा है। आगे क्या तैयारी होगा 369 का? 369 की तैयारी बहुत अच्छी है, आने वाले 4-6 महीने में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है। अभी शिल्पी का ही एक प्रोजेक्ट इतना बड़ा है जो कि शायद ये खुद को टक्कर देंगे अगले वाले गाने। हम अपने अपने गाने से ही टक्कर देते हैं कि अब ये गाना लिया दिल बनते से भी तो गाना 369 से ऑलरेडी रिकॉर्ड भी हो चुका है और उसका भी बहुत जल्द डेट अनाउंस भी होगा। शिल्पी तो देख, बहुत सारे लड़कियों का सपना होता है कि हम भी शिल्पी का जैसा बने जी, क्या कहिएगा उनके लिए आपके जैसा गाना? बहुत गर्व की बात है मेरे लिए, खुशी की बात है कि लोग बनना चाहते हैं, और बस ये कहो कि बहुत ज्यादा मेहनत बा तो मेहनत से पीछे नहीं हटेगी। ठीक बा, थोड़ा सा अपने स्ट्रगल के बारे में बता। स्ट्रगल बताएं तो 2 दिन लग गए, 4 दिन लग गए, सीधे सीधे कहो हम कि बिना स्ट्रगल के बिना मेहनत के कुछ मिले वाला नहीं थे इस जमाने में। तो आप लोग पहला तो अपनी गायकी को मजबूत करी, दूसरा आप लोगों ने अगर गाना देखा होगा तो वीडियो में बहुत कहानी समझ में आई होगी कि क्या है कहानी, थोड़ा बहुत इंडस्ट्री से बहुत लोग रिलेट कर रहे, उसमें कमेंट भी वैसे ही आ रहे हैं। तो ना कंट्रोवर्सी हो तो कैसे हो, हर चीज में एक दुगो अड़ंगा लगावे ला चाहिए भैया, हर लड़की का एक आवाज बने। अगर नहीं वो कमेंट मिलेगा तो मुझे सीख कैसे मिलेगा कि क्या है, उसमें सीखने को मिलता है हर एक गाने में, चाहे हर जगह आए दिन सीखने को मिलता है। तो ये अच्छी बात है कि लोग कमेंट कर रहे हैं और हम हर एक कमेंट पढ़े नहीं, जितना भी लोग देखा था वे सब लोग कमेंट करेला तो हम कमेंट के पढ़े नहीं, ताकि अगला गाना में ये सुधार करें, अगला गाना में और भी अच्छा लेके आए कि आप लोग के अच्छा लगे। बहुत सारे लोग का सपना है कि फिल्म में भी आप काम करें, फिल्म में भी आप फिल्म में अभी हीरोइन लाइक बन गम फिल्म में काम करो इतनी अच्छी हीरोइन है काजल जी, हम कहा बस हम गावा तो नहीं, हमारे गावल काम बा, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है ये काम कर रहे हैं, कितना अच्छा अच्छा ये गाती है ना, जिसको एक्टिंग नहीं आएगा वो भी एक्टिंग कर लेगा। अरे नहीं नहीं इनके गानों पे आप इतनी सुंदर हैं, इतना अच्छा आपका एक्टिंग है, व्यवहार भी बहुत अच्छा है, और अच्छा लगा माही जी हैं, माही श्रीवास्तव जी, वो अभी फिल्म के शूटिंग पे व्यस्त हैं इसके कारण वो नहीं आई हैं। स्पेशली थैंक्स मैं बोलना चाहूंगा लकी विश्वकर्मा जी का जो कि कोरियोग्राफर हैं, डायरेक्टर हैं, और जयदीप वर्मा जी जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, याद भी बनाए थे और ये भी बनाए। ये समझिए कि इसमें सभी का योगदान है, एगो हम बानी पुतला की हाँ हमके बस खड़ा कर देंगे नहीं आप अगर नहीं सजाते, अगर शिल्पी के अलावा कोई और गाता तो उतना अच्छा नहीं लगता। नहीं भाई इतना बड़ा मत वो कीजिए, बस निभावले बानी कहीं ऐसा नहीं कि खूब बढ़िया गा दिल बानी, अब सीखा था नहीं, अगर कमी बेस लागी तो फिर अगला गाना जो आवत है वो मैंने पूरा सनी बाबा है। तो अगला गाना कौन सा आने वाला है? और इसमें का सनी बाबा विलेन जो है मेन हीरो समझिए, या विलेन बिना फिल्म में बन जाओ, विलेन ना रहे तो फिल्म बेकार हो जाएगा। वो भी अच्छा काम किया है, सनी बाबा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा काम किए हैं, इतना अच्छा विलेन बने हैं, ये भी पूछिए। अगला गाना कौन सा आने वाला है? अगला गाना एकरा के गुप्त रखल गई बा, ठीक बा, आवे से पहले जैसे एकर पोस्टर आईल कई तरीका से टीजर कौन कौन मोशन नहीं मालूम, लेकिन आई लग गई कोलैबोरेशन हम, लेकिन वो भी बहुत इसी टक्कर का है, पहली बार हम मतलब इतना ज्यादा कोलैबोरेशन एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट तो लास्ट किया जाए थोड़ा वो लगाना से खून कहेगा। अच्छा ठीक है कि बिना सबतिया के रहना सकेला, हम रखे झूठा हूँ तुझा सा में रखेला, जिंदे में ये दिन देखे के पराटाते, एक रात से नीक चली जैते दखिन घाटे, एक बार दिल के सुकून कई दा ए राजा जी, एगो पून कई दा अपने ही हाथे हमर खून कई दा।
थैंक यू सो मच। आपने बोला शिल्पी जी कि मैं अपने गानों पर तरतर खुश हूं जी, शिल्पी जी किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मानते हैं? नहीं भाई, हम सीखते हैं सभी लोग से, जैसे हम, ये हमारा कहने का मतलब ये है, नहीं इसका मतलब ये है कि जो मैं गा दी तो कोशिश करूं कि इससे बेटर मैं गाऊं, तो अपने आप में वो लड़ाई जो होता है ना, हाँ खुद से कि गाना गा देने तो भाई इससे 20 हो के जाए, तब ना लोग लकीर का कुछ है इंडस्ट्री के ऐसे समस्या है कि उनसे जूझना पड़ता है और हम उतने करीब नहीं है, थोड़ा दूर रहते हैं मुंबई, तो लोगों से बहुत जूझना पड़ता है जिस वजह से थोड़ा रेगुलर नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही दिलो जान से लगे हुए हैं प्रोफेशन के लिए, सबसे पहले तो ये है खुद लगी हुई है, एक प्रभु भैया भी है वो भी लगे हुए हैं, तो बहुत लोग हैं जो सपोर्ट भी करें, हालांकि अब बहुत ज़्यादा कोशिश है और आने वाले 6 महीने में जो बीच में 6 महीने नहीं हुआ वो भी पूरा कर देंगे। हाँ, क्योंकि सब रेडी है, सिर्फ कंटिन्यू चीजें डालना बाकी रह गया है, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।